यहाँ पर उपस्थित सभी दीदी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीता है, मेरे समूह का नाम माँ संतोषी। मैं अपने ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ और FNHWICRP के पद पे कार्य करती हूँ। तो दीदी आपको क्या काम करना पड़ता है इस पद पे? दीदी हमें स्लिप बुक दिया गया है, इसके द्वारा महिलाओं को जागरूक करना रहता है, किस प्रकार से ना महिलाओं को बताया जाए कि उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को क्या पोषण में लेना चाहिए, धात्री महिलाओं को और किशोरी लड़कियों को, और उसके बाद महावारी पे इन सभी चीजों पे ट्रेनिंग दिया गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम गाँव के समूह में जा करके बता इसी के बारे। और ये बुक आपको दी गई है? जी। तो क्या कुछ है इसमें बताइए दीदियों को थोड़ा। दीदी इसमें इस बुक में सिल बुक में दिया गया सबसे पहला पार्ट जो है प्रेरणा से जुड़ी महिलाओं के बाल समूह में क्या क्या सहायता मिलती है। पहला सबसे पहला हम महिलाओं को एक सहायता मिलती है, निर्धन परिवारों में एकता हिम्मत और जागरूकता बढ़ती है। जो महिलाएं निर्धन हैं उन परिवारों में हिम्मत आती है और एकता बढ़ती है। एकता इसलिए कि हम लोग एकत्रित होकर के एक दूसरे की सहमति से कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा है निर्धन परिवार समूह से समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। जब दीदी हम लोग समूह से जुड़ते हैं तो निर्धन जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, वो समूह की सहायता से समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। और तीसरा है एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। जब हम लोग समूह से जुड़ जाते हैं, अगर किसी दीदी के ऊपर कोई संकट आता है तो सभी दीदियां एक साथ मिलकर के उस दीदी की संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं। समूह से जुड़ने से दीदी को पहचान और सम्मान मिलता है, नहीं तो हम लोगों को कोई जानता नहीं था, आज हम लोगों को सब जानते हैं। अगर हम कहीं जाते तो कहते हैं फला दीदी आ रही, समूह की दीदी आ रही है, नहीं तो पहले कोई जानता नहीं। प्रशिक्षण द्वारा आजीविका का वर्धन और बचत बढ़ती है, जिससे कि दीदी ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमें दीदी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अगर हम समूह में जुड़े हैं तो ऋण हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समूह में होने वाली खर्च में मिलने वाले ज्ञान द्वारा परिवार की जिंदगी खुशहाल बनती है एवं सामाजिक विकास होता है। समूह में मिलने वाले ज्ञान से परिवार का विकास होता है और समाज में भी सुधार होता है। अच्छा दीदी ये नौकरी आपको कैसे मिली? दीदी ये नौकरी हमारा पेपर हुआ था और उसके बाद जो है हम लोग को ट्रेनिंग दी गई, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमको ये नौकरी मिली। तो आप कितने दिनों से कार्य कर रही हैं इस पद पर? सन 2021 से कर रही हैं। और आपको कुछ मानदेय मिला है, वेतन वेतन मिला कि नहीं? दीदी एक बार मिला था सन 2021 में, अब 22 से 23 का भी नहीं मिला। सन 2021 में कितना मिला था? 1700 रुपए मिला, एक महीने का 1730 है, लेकिन जैसे कहते हैं 10 रुपए हमारे स्वयं के समूह में आएगा जय माँ संतोषी में, और 10 रुपए बीओ में चला जाएगा और 10 रुपए सीएलएफ में चला जाएगा। अच्छा, ये काट लेते हैं। अच्छा आपके भी मानदेय से जो है संस्थागत शुल्क कट? हाँ कट जाता है। तो आपको पैसा 1700 रुपए ये पहले जो मिला था बीए से मिला था ग्राम संगठन से, 11000 रुपए मिले थे एक बार, उसके बाद 8000 रुपया निजी खाते में आया, उसके बाद अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। और मानदेय का प्रपत्र आपने भर के जमा कर? हाँ दीदी सब फार्म जमा कर रखा है हमने। अब कब तक बोले हैं मानदेय मिलेगा? कह तो रहे थे सितंबर में आखिर डेट तक दे देंगे, फिर दिए नहीं है, फिर अब की फिर कहे कि आप लोग आइए अपना अपना फार्म ढूंढ करके भरिए, फिर वो गए थे अपना अपना ढूंढ करके भर के आए हैं। और समूह की दीदियों से आप क्या कहना चाहते हैं बताइए दीदी? हम तो समूह की दीदी से यही कहना चाहते हैं कि समूह से जुड़े रहे, समूह से ना निकले, और समूह में होने वाले जैसे बैठक में नियम से आइए, अपना अपना योगदान दीजिए, और जो समूह में बातें बताई जाए उनको अपने जीवन में अर्जित कीजिए। हम तो बस यही कहना चाहते हैं।